हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर से, घर जा रही हूँ। मंदिर आई थी सुबह और अभी मंदिर में हो रहा था हवन, थोड़ी देर बैठ के फिर मैं पे जा रही हूँ मैं घर। भूख भी लग रही मुझे तो, खाली पेट में सुबह 6 बजे से उठी हुई। सो चलते हैं अभी घर की साइड, और बारिश देख रहे हो कितनी तेज़ हो रही है। आज तो जी सुबह से ही इतनी बारिश पड़ रही है ना, बूंद 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 की आई जा रही है। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपनी, देखिए तेज बारिश हुई ना घर में, उससे और तेज होने लगी बारिश। मुझे पूरी भीग गई मैं। अभी फिलहाल मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैं बना रही यहाँ पे चाय अपने लिए। टाइम हो रहा है 10:15 हो गए हैं, 10:15 हो चुके हैं। अब मुझे लगी सब कुछ खा लूँ, से तो मम्मी ने बनाई आज तोरी। ले ली है मैंने थोड़ी सी सब्जी और दो रोटी और चाय, जो कि मैंने पी नहीं थी तो अब पी ली। अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 12:30 से ज़्यादा ही हो रहे हैं कि। और अभी मैं बना रही हूँ आपके रोटी, रोटी बनाऊंगी, आटा पला निकाल दे थोड़ा ठंडा सा होता है तो, कि पापा शायद ड्यूटी जाएंगे आज। हाँ पापा ड्यूटी जाएंगे आज, इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ, तो यहाँ जल्दी से बना देती हूँ। बहुत हल्का सा आ रहा है, कुछ भी काम करने को आज मन नहीं करना मेरा तो बिल्कुल भी। ताल का सारा मैं तो सुबह से मैंने कुछ करा नहीं, क्योंकि मैं सुबह मंदिर चले गए थे ना, इसलिए टाइम ही नहीं मिला सुबह 6 बजे के। अब जल्दी उठ जाते तो दोपहर को नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। नींद नींद से पूरा दिन आ जाती है, सो जाओ तो फिर रात को नींद नहीं आती, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो चलो रोटी बना लेते हैं ना। तभी धो लिए मैंने हाथ, हाथ धोने के बाद मैं आ गई अपने रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोल गोल गर्म गर्म रोटियाँ, जो कि जिस जिस को खानी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं खिलाऊंगी कभी आना तो निहात से। बाकी यहाँ पे हम भाभी हम बात कर रहे थे कि भाभी बोल रही थी मेरे से कि दीदी लहसुन की चटनी बनाना, जैसे कल बनाई थी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं लहसुन की चटनी बना दूँगी। तो भाभी ने लहसुन यहाँ पे लहसुन छील रही थी और मैं रोटी बना रही थी साथ के साथ। तो यहाँ पे बन गई है मेरी सारी रोटियाँ गर्म गर्म, जो कि अब बारी आती है लहसुन के चटनी की। तो लहसुन आप देख रहे हो मैंने, मतलब भाभी ने कितना सारा लहसुन छीला है, जो कि हम सारे ही लहसुन की चटनी खाएंगे। कल इतनी टेस्टी बनी तो भाभी ने बोला आज भी बना लो दीदी, टेस्टी लग रही थी कल भी। तो मैंने यहाँ लहसुन को धो लिया, अच्छे से धोने के बाद मैंने इसमें मोम दस्ते में रख लिया है कूटने वाले में, और मैं इसको बारीक बारीक इसलिए कूट रही ताकि लहसुन अच्छे से क्रिश हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मतलब डाल रही हूँ, मतलब ऐसा रख ना, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का मतलब रखना है, ज़्यादा नहीं कूटना है एकदम से, थोड़ा मोटा ही रखना है बस, थोड़ा मतलब वो कली जो है वो थोड़ी कूट जाए बस, इतना रखना है बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लहसुन हमारा कूट गया है, तो मैंने ले लिया मसालेदानी, जिसमें मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा नमक के लिए धनिया डाला है, बाकी मैंने कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। बाकी इसमें कूटने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ी अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ रख लिया है तेल, आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से रखना है। आप सोच रहे होगे बहुत स्पाइसी, इतनी स्पाइसी नहीं है मिर्च। फिर मैंने तेल गर्म होने का जीरा डाला, इसमें हींग डाली और फिर मैंने जो चटनी की लहसुन की वो छोड़ दी है
पका के आप देख रहे हो। थोड़ा सा मैंने उसमें घोल के पानी डाल दिया है और कुछ नहीं, बस मीडियम गैस पे बस इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ देना है, बाकी चटनी बन जाएगी और आप खा के देखना सकते कितनी टेस्टी लगती है। मैंने फर्स्ट टाइम कल बनाई थी और बाकी आज बनाई है, दूसरी टाइम जो अच्छी लगी तो इसलिए आज भी बन। अभी खा लेती मैं खाना और थोड़ा सा देख लेती तारक में आता खाना खाते खाते फिर आपसे मिलती है। गाइस अभी अभी ना फोन आया है मेरी मौसी के वहाँ से कि मेरी मौसी का लड़का ना खत्म हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से ज़्यादा बीमार हुए थे तो भैया का फोन आया कि वो ख़त्म हो गए 4:30 बजे, तब सब गए हैं मेरे घर में से, मेरी मौसी वगैरह मम्मी पापा भैया सब गए हैं।